बीते दिनों से कड़ाके की ठंड ने उत्तर भारत को अपनी चपेट में लिया हुआ था। हाल में कपकपाती ठंड से तो राहत मिल गई है, मगर अब बादलों का रुख बदला हुआ है। पर्वतों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में बादल बरसात लेकर आ रहे हैं। एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से मैदानों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दिल्ली में धूप के बीच बादलों का पहरा है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की राजधानी लखनऊ में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आज का मौसम। पहाड़ी इलाकों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश एवं बर्फबारी हो रही है, जिससे निचले इलाकों में एक बार फिर ठंड में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही ठंडी हवाओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने आज यानी 25 जनवरी के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज यानी 25 जनवरी को बादलों का पहरा रहेगा। अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही बादल छाए रहेंगे। 26 जनवरी यानी इस दिन गणतंत्र दिवस भी है। ऐसे में खराब मौसम लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली में बारिश आने की संभावना बनी रहेगी। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।